नमस्कार किसान भाइयों, मैं निखिल त्रिपाठी लाइव टुडे के खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी कड़ी में आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे सौंफ की खेती की। सौंफ की खेती मुख्य रूप से मसालों के रूप में की जाती है। सौंफ के बीजों से ओलेटाइल तेल भी निकाला जाता है। सौंफ एक खुशबूदार बीज वाला मसाला होता है। सौंफ के दाने आकार में छोटे और हरे रंग के होते हैं। आमतौर पर इसके छोटे और बड़े दाने भी देखे जाते हैं। दोनों में खुशबू एक जैसी ही होती है। भारत में सौंफ को राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के भागों में उगाया जाता है। इन क्षेत्रों में सौंफ का अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है। पेश है हमारी एक रिपोर्ट। सौंफ की खेती बीज के माध्यम से और नर्सरी बनाकर भी की जा सकती है। इसकी खेती किसानों के लिए मुनाफे की खेती है, जिसमें यदि समय रहते कीटों का उपचार और बीजोपचार किया जाए तो उम्मीद से बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। आइए अब हम आपको सौंफ के सेवन से होने वाले फायदे, सौंफ की किस्म और सौंफ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में बताते हैं। फायदे: बादाम, सौंफ और मिश्री को समान मात्रा में पीसकर खाना खाने के बाद इसका सेवन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। सौंफ खाने से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। खाली पेट सौंफ खाने से खून साफ होता है और त्वचा में चमक आती है। अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो दिन में 3 से 4 बार आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुंह से बदबू नहीं आती। उन्नत किस्में RF 35, RF 101, RF 125, गुजरात सौंफ 1, अजमेर सौंफ 2, उदयपुर F 31, उदयपुर F 32। जलवायु: सौंफ की खेती शरद ऋतु में अच्छी तरह से की जाती है। सौंफ की खेती के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु सबसे उत्तम होती है। इस जलवायु में पौधे की वृद्धि उचित प्रकार से होती है। सौंफ की अच्छी उपज केवल मौसम पर ही आधारित होती है। फसल पकते समय शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, मसाले में सौंफ राजा कहा जाता है। हमारे देश में 1,10,000 टन से भी ज्यादा उत्पादन वाला सौंफ न केवल एक साधारण फसल है, बल्कि इसमें मौजूद कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम की वजह से इसका रोजाना सेवन करना हमारे शरीर के लिए एक औषधि की तरह है। सौंफ का उपयोग अचार बनाने में, सब्जियों में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमारे भारत में हर तरह के मसाले पाए जाते हैं, जिसका अधिक से अधिक उपयोग सब्जियों में किया जाता है। खाने में रंग और स्वाद लाने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता है। कभी कभी मसाले का उपयोग दूसरे फ्लेवर को छुपाने के लिए भी किया जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सौंफ पूरे भारत में खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में खाई जाती है, जो हमारे पेट के पाचन और आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सौंफ की खेती के लिए भूमि, खेत की तैयारी और बीज बुआई के बारे में जानकारी देते हैं। भूमि: सौंफ की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। सौंफ की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। चूने से युक्त बलुई मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। सौंफ की अच्छी फसल लेने के लिए भूमि में से पानी का उचित निकास आवश्यक है। रेतीली मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जा सकती। खेत की तैयारी: पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। आखिरी जुताई में 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद को मिलाकर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। बीजों की बुआई करने के 30 से 60 दिन के बाद फास्फेट की 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर फसल में डालें। बीज बुआई:
बीज द्वारा सीधे बुआई करने पर लगभग 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई लाइनों में करनी चाहिए। पहले बीजों को नर्सरी में बोना चाहिए। सौंफ को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सौंफ औसतन 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक वार्षिक पौधा है। सब्जी में मिलाए जाने वाले मसालों में जीरा, काली मिर्च, सौंफ, नमक, हल्दी, मिर्च और भी कई दूसरे मसालों का नाम लिया जाता है। और ये मसाले किसी जड़ी बूटी से नहीं बनते, बल्कि ये जड़ी बूटी से बिल्कुल अलग होते हैं, जिनका की उपयोग सब्जी में फ्लेवर देने के लिए या उन्हें सजाने के लिए किया जाता है। सूखे बीज, फल, जड़, छाल और सब्जियों को मसाला कहा जाता है। बहुत सारे मसालों में सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है और सौंफ इन्हीं में से एक है। ये पौधा घने रोमों से पूरी तरह ढका होता है। प्रत्येक फलावरण पर 5 लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं। इन रेखाओं के नीचे फल भित्ति में ज्यादातर तैल नालिकाएं दिखाई पड़ती हैं। इसका अपना एक अलग सुखद सुवास और निराला स्वाद होता है। आइए अब हम आपको सौंफ की खेती के लिए रोपाई और सिंचाई के बारे में जानकारी देते हैं। पौधे तैयार करने के लिए 100 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है। पौध 5 से 6 सप्ताह के हो जाएं तब पौध खेत में रोपण करना चाहिए। रोपाई में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सिंचाई। सौंफ की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 5 या 7 दिन के अंतर पर कर देनी चाहिए। फसल की पहली सिंचाई करने के बाद 15-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि खेत में पानी का भराव ना हो। खेत में पानी भर जाता है तो इससे फसल और उसके बीज को हानि पहुंचती है। खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी सौंफ की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप सौंफ की फसल में कीट प्रबंधन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको सौंफ की खेती से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया था कि कैसे आप सौंफ की खेती में विशेष सावधानियां बरतकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको सौंफ की खेती में खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन, फसल की कटाई और भंडारण के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप सौंफ की खेती करके बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। भारत दुनिया भर में मसाला उत्पादन और मसाला निर्यात में पहले स्थान पर है, इसलिए भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। इन मसालों में बीज मसालों का अनोखा स्थान है। सौंफ भी उन्हीं में से एक है। किसान भाई इसकी अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत और रोग रोधी किस्मों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अब हम आपको खाद, उर्वरक और खरपतवार की रोकथाम के बारे में बताएंगे। खाद और उर्वरक।
गोबर की सड़ी हुई खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के एक महीने पहले खेत में डालें। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में देनी चाहिए। बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई के 60 दिन बाद खड़ी फसल में देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, फसल में खरपतवार को निकालने के लिए बुआई के 30 दिन के बाद निराई करनी चाहिए। खरपतवार को दूर करने के लिए खरपतवार नाशक दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ के खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। किसान भाइयों, सौंफ हर घर में होती है और सौंफ खाने के सिर्फ यही फायदे नहीं होते बल्कि छोटी सी ये सौंफ कितनी गुणकारी हो सकती है ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। स्वास्थ्य के लिए इससे सस्ता, सुलभ और स्वादिष्ट नुस्खा शायद ही कोई होगा। बारीक सौंफ और मोटी सौंफ, ये दो तरह की सौंफ बाजार में मिलती है। इसमें बारीक सौंफ चबाने के लिए अच्छी होती है और मोटी सौंफ अचार और सब्जी बनाने के काम में आती है। सौंफ मुंह का जायका ही नहीं बढ़ाता है बल्कि किस्मत भी संवारता है। कम लागत में अधिक पैदावार देने वाले सौंफ की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है और आने वाले समय में यह खेती वरदान साबित होने वाली है। एक बीघे में 250 ग्राम बीज लगता है जबकि उत्पादन एक कुंतल से भी ज्यादा का होता है। तो चलिए अब आपको रोग और कीट प्रबंधन के साथ साथ फसल की कटाई के बारे में भी बताते हैं। रोग और कीट प्रबंधन, छछिया रोग। इस रोग में पत्तियों, टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है जो बाद में पूरी तरह से पौधे पर फैल जाता है। अधिक प्रकोप से उत्पादन और गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। जड़ और तना गलन, इस रोग के प्रकोप से तना नीचे मुलायम हो जाता है और जड़ गल जाती है। जड़ों पर छोटे बड़े काले रंग के स्क्लेरोशिया दिखाई देते हैं। झुलसा, इस रोग के सर्वप्रथम लक्षण पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे काले रंग में बदल जाते हैं। संक्रमण के बाद यदि आर्द्रता लगातार बनी रहे तो रोग उग्र हो जाता है। रोग ग्रसित पौधों पर या तो बीज नहीं बनते या बहुत कम और छोटे आकार के बनते हैं। बीजों की विपणन गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है। रोकथाम, स्वस्थ बीजों को बोने के काम में लीजिए। फसल में अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। रोग के लगने की प्रारंभिक अवस्था में फसल पर मैंकोजेब 0.2% के घोल का छिड़काव करें। कैप्टॉन से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भूमि उपचारित करनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा वेरडी मित्र फफूंद 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद में मिलाकर बुआई के पहले भूमि में देने से रोग में कमी होती है। कटाई, सौंफ की फसल लगभग 160 से 170 दिन में पककर तैयार हो जाती है। फसल की कटाई उस समय करें जब इसके बीज पूरी तरह से विकसित हो जाएं। पहले एक डंडी को तोड़कर उसमें से बीज को निकालकर दोनों हाथों के बीच रगड़कर देखें कि ये पूरी तरह से पक चुके हैं या नहीं। फसल पकने के बाद ही कटाई करें। फसल की कटाई लगभग 10 दिन में पूरी कर लेनी चाहिए। सौंफ का स्वाद मीठा, कसैला और कड़वा होता है। शरीर पर सौंफ का शीतलन प्रभाव पड़ता है और इसके पत्ते मुख में मीठा और कड़वा स्वाद देते हैं। आयुर्वेद सौंफ को न पकाने की सलाह देता है। पकाने से सौंफ के गुण मर जाते हैं इसलिए इसे भिगोकर प्रयोग करें। यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। सौंफ का उपयोग सब्जियों के अलावा पान में भी किया जाता है। भारत में सौंफ को कुछ जगहों पर खाद्य शाक के रूप में भी बाग बगीचों में उगाया जाता है। इसके मुख्य उत्पाद सौंफ तेल और सौंफ तिलहन है। हरी सौंफ बहुत स्वादिष्ट और मीठी होती है। इसके पौधे 2 से 3 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पौधे में धनिया के पत्ते के समान बारीक पत्ते लगते हैं।
पहले सौंफ के दाने हरे रंग के होते हैं, पक जाने पर इनका रंग कुछ पीला हो जाता है। आइए अब हम आपको सौंफ के बीजों को सुखाने, ग्रेडिंग, उपज और भंडारण की विधि के बारे में जानकारी देते हैं। बीज सुखाना। सौंफ की कटाई के बाद सौंफ को 7 से 10 दिनों तक छाया में सुखाया जाता है। बीजों को लंबे समय तक धूप में ना सुखाएं। ज्यादा समय तक धूप में सौंफ को सुखाने से गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ग्रेडिंग। सौंफ के बीजों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद इसकी सफाई की जाती है। बीजों को साफ करने के लिए वैक्यूम गुरुत्वाकर्षण नामक यंत्र की सहायता लेनी चाहिए। सौंफ को साफ और अच्छी गुणवत्ता के आधार पर पैक किया जाता है। सौंफ को जूट से बनी थैलियों में ही पैक किया जाता है। उपज और भंडारण। सौंफ की उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। जब कुछ हरे बीज प्राप्त हों तो उसके बाद पकाकर फसल काटते हैं तो पैदावार कम होकर 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रह जाती है। जूट के बोरे में जिसके अंदर पॉलीथीन की पट्टी लगी हो सौंफ के बीज रखने के लिए उपयुक्त है। तो किसान भाइयों, ये तो थी सौंफ की खेती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सके इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल है जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। नैनीताल के रहने वाले किसान भाई मोहन चंद जोशी ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है। आज का सवाल, आलू और गोभी में कीट प्रबंधन कैसे करें? हमारा जवाब, मोहन जी, आलू की खेती भारत में प्रमुख फसल के रूप में ली जाती है। रोगों के कारण आलू की खेती प्रभावित हो रही है। किसानों को 60-70% तक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आलू में कीट प्रबंधन। मोहन जी, बुआई से पूर्व खेत की सफाई कर पौधों के अवशेषों को एकत्र कर नष्ट कर दें। आलू के कंदों को एगेलाल के 0.1% घोल में 2 मिनट तक डुबाकर उपचारित करके बोना चाहिए। रोग प्रतिरोधक जाति जैसे कुफरी जीवन, कुफरी सिंदूरी का प्रयोग करें। फाइटोलॉन ब्लिटॉक्स 50 का 0.3% 12 से 15 दिन के अंतराल में 3 बार छिड़काव करना चाहिए। गोभी में कीट प्रबंधन। मोहन जी, माहू एक छोटा कीट है।
जो गोभी के खेत में जू के रूप में जाना जाता है। माहू कीट के निवारण के लिए रोपाई के बाद 10 दिनों के अंतराल पर खाद प्रबंधन करें। प्रबंधन के लिए 4% नीम के बीजों के पाउडर और नीम सोप का बारी बारी से छिड़काव करें। अगर संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो इमेडक्लोप्रिड 200 SL का 0.5 मिली प्रति लीटर से छिड़काव करें। मोहन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। बहराइच के रहने वाले किसान समीर चौधरी ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आज का सवाल, हरी मिर्च की फसल को सफेद मक्खी के प्रकोप से कैसे बचाएं? हमारा जवाब, समीर जी, सफेद मक्खी शिशु और वयस्क पत्तियों की निचली सतह पर चिपक कर रस चूसती है, जिससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। उपचार, कीट की सतत निगरानी कर और संख्या के आधार पर डाइमेथॉइड की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अधिक प्रकोप की स्थिति में थायमेथाइसम 25WG की 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। समीर जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। वाराणसी के रहने वाले किसान भाई प्रतीक ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी है। उनका सवाल है, आज का सवाल, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पौध किस प्रकार तैयार करें? हमारा जवाब, प्रतीक जी, स्ट्रॉबेरी के पौधे ऊपर उठी क्यारियों में लगाए जाते हैं। इन क्यारियों की चौड़ाई 105 से 110 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। दो क्यारियों के बीच में 55 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। क्यारियों में पौधों की पंक्तियों के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। पौधे की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना आवश्यक है। पौधों की रोपाई दिन के ठंडे समय में की जानी चाहिए। प्रतीक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।